सिर्फ 25,000? आप तो हर बार इलेक्शन में मुझे 5 लाख रुपए देते हैं और अब की बार भी इलेक्शन में आपने 5 लाख देने का वादा किया था। सर प्रकाश जी, मैंने वादा जरूर किया था, लेकिन उस वादे के भरोसे पे किया था कि आप उस ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला करवा देंगे जो मेरे स्मगलिंग के धंधे को चौपट करने पे तुला हुआ है। कमबख्त ने पिछले हफ्ते मेरे 4 ट्रक पकड़वा दिए, 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कमाल है, ये ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर अपने इलाके में आया कैसे? मैं तो समझा था उसका ट्रांसफर हो गया होगा। आप बेफिक्र रहिए, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है सर प्रकाश जी, मेरा काम होने के बाद आपका काम भी हो जाएगा। और मोहन भाई, 2-4 आदमी और भेज दो, मंगल का केस तो चल ही रहा है, कुछ दिन के बाद ये भी चला जाएगा। ठीक है, कल ही मेरे आदमी तुम्हारे अड्डे पर पहुंच जाएंगे। अच्छा सत्यप्रकाश जी, मैं तो चलता हूँ, मुझे अपने भांजे को लेने स्टेशन जाना है। वैसे जलसे का सारा इंतजाम मैंने कर दिया है, मेरे सारे आदमी ठीक वक्त पर पहुंच जाएंगे, और जब तक मैं नहीं आऊंगा मंगल और जागो सारा काम संभाल लेंगे। और ये है आपकी आज के जलसे की स्पीच। भाई वाह मोहन, बहुत अच्छा लिखा तुम्हारे राइटर ने। भाई और बहनों, जो कुछ मैं इस वक्त आपके सामने कहने वाला हूं वो एक भाषण नहीं है, एक प्यार भरा पैगाम है। हाँ तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि जनता ने आजादी का सबसे बड़ा फायदा यह उठाया कि जिस गांव की आबादी 2,000 थी वो 20,000 कर दी, जिस शहर की आबादी 2 लाख थी वो 20 लाख कर दी। यानी आहिस्ता आहिस्ता जनता ने सरकार के साथ कंपटीशन शुरू कर दिया, और वो कंपटीशन कैसा कि अगर सरकार 2 लाख आदमियों के लिए रोजगार मुहैया करती तो जनता 4 लाख आदमी रोजगार के लिए और खड़ा कर देती। और अगर आप लोग, मोहन भाई अभी तक नहीं आए, उनका भांजा आ रहा है, उसे लेने स्टेशन गए हैं, बताते ही होंगे। अच्छा तो दोस्तों, आबादी का मोहन भाई लोग इतने बढ़ जाएंगे कि चाहे जितना भी अनाज पैदा, तुम मेरे साथ चलोगे या यहीं रुकोगे? नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। दीमक की तरह, ठीक है, तो मैं जरा अपना काम करके आऊं। अच्छा, दीवारों को खाती रहे। अगर हमने इस तेजी से बढ़ती हुई स्पीड पर ब्रेक नहीं लगाए तो इस देश में इतनी भीड़ हो जाएगी कि किसी को खड़े रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी, और हर आदमी के सामने यह समस्या होगी कि अगर वो एक कदम आगे बढ़ाएगा तो सामने वाले के सर पर चढ़ जाएगा, और अगर वही खड़ा रहेगा तो पीछे वाला उसके सर पर चढ़ जाएगा। सुनिए भाई साहब, ये मोहन भाई कहाँ होंगे? आपकी तारीफ। जी, मेरा नाम अजय है। आपकी तारीफ? प्यारे, तारीफ तो मेरी बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन पॉलिटिक्स के विरुद्ध होकर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि मैं मुरारी लाल वल बनवारी लाल सत्य प्रकाश का राइट हैंड, सत्य प्रकाश जी के लिए मैं उतना ही जरूरी हूं जितनी चाय में शक्कर, ब्रेड में बटर, दूध में वाटर, पुलाव में मटर और सूप में टमाटर। वाह वाह वाह, आपकी शॉर्ट तारीफ सुनकर तो मुंह में पानी आ गया। वैसे इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है। कैसे कैसे? जैसे देख जी मैं चम्मच। मुरारी जी, देखो मुरारी, मैं अजय को लेकर घर जा रहा हूँ, तुम इन सब लोगों का पेमेंट कर देना और बाकी का पैसा मेरे घर भिजवा देना। जी समझे? जी हाँ। लेकिन किसको कितना पेमेंट करना है? अरे हाँ, देखो ये है नारे लगाने वाले, तुम्हारा कितना पैसा बनता है? 1,500 रुपए। 1,500 रुपया इनको दे देना। और सुनो भाई जी, तुम गलत सलत आदमियों को लेकर आए थे, गलत सलत जगह नारे लगाकर पूरी स्पीच का कबाड़ा कर दिया, आइंदा ध्यान रखना। अच्छा। और तुम तालियां बजाने वाले कितना पैसा बनता है तुम्हारा? 2,000 रुपया। काहे का 2,000 रुपया? सब बच्चे लेकर आए थे, गलत जगह पे तालियां बजा के पूरे भाषण का सत्यानाश कर दिया। इनके 2 रुपया पर हेड काट देना, उस हिसाब से पैसे देना। मगर वगैरह कुछ नहीं, काम करना है भगा दूं तुमको। सब काम तो करना है, समझ गए ना? जी हाँ। और जी हार, हाँ ये हार पहनाने वाले हैं। 50 हार थे और 20 पहनाने वाले, कुल 750 रुपए हुआ। 750 इन्हें दे देना। और सुनो भाई, अगली बार जरा वो जरा मोटे गेंदे के फूल उल लेना, ताकि पहने तो जरा लगे। है बिल्कुल। वही पुराना टेप, घिसा पीटा टेप, वही टेप तेरा बाप का है, तुझको भेज दिया। इसको पेमेंट मत करना, इसके बाप को आने दो।
तेरे बाप से कह मुझसे आके मिले, चल भाग भाग, इसका पेमेंट मत करना। नहीं करूंगा। और सुनो, वो साजिद मियां, वो अनिल भाई वगैरह है, उनके छोटे मोटे पेमेंट्स अपने हिसाब से कर देना, ठीक है? चलो अजय। नमस्ते मोहन भाई। नमस्ते। चलो पेमेंट के लिए आओ बैठो। अभी तुम्हारी मौसी को बुलाता हूँ। शांति, शांति आती हो? बाबा आती हूँ, तुम तो दरवाजे से ही चिल्लाना शुरू कर देते हो, जरा तो दम लिया करो। अरे अजय तू आ गया। मौसी हट, बदमाश अभी तक नहीं बदला। अरे बदला कैसे नहीं, जब हम शहर से आए थे तब ये चड्डी पहना करता था। अब देखो फुल पैंट पहनता है। और सुना क्या खबर? सबसे ताजी खबर।